सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एक्सप्रेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। नमस्कार, आर्यव्रत औरंगाबाद के पूर्व प्रबंधकों को किया गया है सम्मानित। कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अनुभवों का रहता है खजाना। आज की दौड़ भाग की जिंदगी में चाहे वह किसान हो या नौकरशाही अथवा व्यापारी, तब तक वह अपने कार्यस्थल पर विराजमान रहते हैं तभी तक जब उनका सुख साधन और सम्मान मिलता है। पद से हटने के बाद नौकरशाह भी अपने आप को रिटायरमेंट का शब्द का इस्तेमाल करने लगता है। इससे यह लगता है कि हम सरकार या जिस विभाग में नौकरी करते हैं उनके पूरे जीवन का अनुभव संग्रह करते हुए जब विभाग का द्वारा सम्मान कर घर वापस भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद कोई भी उस विभाग को पूछने वाला पैदा नहीं होता है। इसके चलते आज ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत के शाखा औरंगाबाद के प्रबंधक आरपी सिंह ने एक ऐसी नई पहल को जन्म दिया है जो काफ़ी वर्ष पहले आर्यव्रत बैंक से जो रिटायर हो चुके थे लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे पुराने साथियों का कार्यकाल शाखा औरंगाबाद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें स्टाफ के कई लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर उन लोगों को सम्मान के साथ हार पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया है। और आज उनके लिए सबसे बड़ा खास दिन सम्मान समारोह के साथ रखा गया है। सर, मैं आपका नाम और पद जानना चाहूँगा और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? आरपी सिंह नाम है मेरा, मैं यहाँ सीनियर मैनेजर। उद्देश्य कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बैठे बैठे हमारे और हमारे स्टाफ के बीच में एक डिस्कशन हुआ। उसमें हमें लगा कि हमारे जो साथी जो हमारे वरिष्ठ हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको सम्मान करने का हमारा मन में विचार आया और बस वही सोच करके हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया। कल ही बातचीत हुई और आज के लिए प्रोग्राम रख लिया कि हम अपने साथियों का सम्मान करेंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं हमारे। लगभग आपके ये कितने साथी होंगे जितना आपको यहाँ देना? लगभग 20 साथी हैं हमारे जो रिटायरीज हैं सभी। तो क्या ऐसी एक परंपरा आप डाल रहे हैं कि जो यहाँ वर्तमान में जो हों लेकिन जो आपसे रिटायर होते जहाँ बड़े लोग हों उनका ये सम्मान इसी तरह से? हाँ, मेरा अपना सोचना ये है कि अपने सीनियर्स को सम्मान देना ये एक अच्छी परंपरा है। अगर आगे भी कोई इसे कायम रखना चाहता है तो अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ समाज में उत्साह भी होता है थोड़ा और मनोबल भी बढ़ता है। बहुत मनोबल बढ़ता है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हम अपने वरिष्ठों का सम्मान कर रहे हैं। जी, आपका नाम और मैं जानना चाहूँगा। मैं पीके जायसवाल और मैं अभी दिसंबर में बैंक की पाली खेड़ा शाखा से रिटायर हुआ हूँ, वरिष्ठ मुख्य प्रबंधक के पद से। और आज यहाँ इस औरंगाबाद शाखा के प्रबंधक श्री आरपी सिंह एवं यहाँ के कार्मिकों द्वारा जो हमारे हम लोगों के जो रिटायर हो चुके हैं उनके सम्मान के लिए ये जो आयोजन किया, मैं उनकी सराहना करता हूँ और उनके इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूँ। और जिससे कि हम लोगों को यहाँ सबको एक साथ मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ और हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम शाखा के योगदान के लिए करते रहे। चलिए, अब तक आपने जो योगदान किया तो ऐसे समय में रिटायर होने के बाद में जब यहाँ सम्मान दिया गया तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? केवल ऐसी बात है, हम अपने आप को रिटायर हो जाने के बाद भी बैंक द्वारा बैंक अधिकारी द्वारा हमको सम्मानित कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग। चलिए, मैं आपका नाम और पद जानना चाहूँ और साथ में आप क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए? आपको कैसा लग रहा है यहाँ सम्मान पाकर? ये सम्मान करने से हमारा उत्साह वर्धन करने से बहुत ही अच्छा लगा। आरपी सिंह जी काफ़ी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी, आपका काफ़ी लंबा समय हो गया, आप तो काफ़ी दिन पहले के रिटायर होंगे, अभी आपको अचानक सम्मान पाकर के कैसा लग रहा है? आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुप्रकाश बिमल है और मैं 2016 में रिटायर हुआ था और यहाँ ये सारी जो चीज़ें देख करके अपना उत्साह बढ़ा है। शायद भविष्य में और लोग भी इस तरह से हम लोगों का मान सम्मान करते रहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और थोड़ा वक्त भी अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।